हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है ऐसा कहना आसान नहीं है, क्योंकि किरण चौधरी के बाद असम से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। बुधवार को करनाल में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान शामिल हुए, लेकिन असम से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी इसमें शामिल नहीं हुए। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें इन्वाइट किया गया था। हालांकि विधायक शमशेर गोगी इस बात से इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं था। सर, करनाल जिले में एकमात्र विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, वो नहीं आए। कोई बात नहीं, कहीं काम हुआ। बुलाया था आप लोगों ने? बुलाया था। हमारी सहजा गुट के हैं वो? नहीं, कोई गुट नहीं, कोई गुट बात नहीं। देखो, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, मैंने सुना है भी काफी लोग आए थे, लेकिन जो यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजर थे, मेरे को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे को बुलाया नहीं उन्होंने। जब कोई इनवाइट ही नहीं करेगा, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है या क्या कमजोरी है उनके अंदर कि वो मेरे को तो फोन तक नहीं किया किसी। क्या मजबूरी है, क्या कमजोरी है, दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है शमशेर सिंह गोगी ने, लेकिन यह कहना आसान नहीं कि आखिरकार सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ हैं। मनीष खटाना जी, भाई कहना बड़ा मुश्किल है कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण समय है, 24 के चुनाव नजदीक है, संगठन का इंतजार है, और उसके बावजूद भी गुटबाजी थमने का नाम तो नहीं ले रही है। असन से विधायक शमशेर गोगी कह रहे हैं मजबूरी है, कमजोरी है, पता नहीं, लेकिन इन्वाइट नहीं किया। सर, ना कमजोरी है ना मजबूरी है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जरूर हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने सुना, जो मेरे संज्ञान में है कि मैसेज उन तक पहुंचाया गया था, क्योंकि जितने भी फोन कॉल्स हैं वो या तो ओएसजी साहब अपने टीएलपी लीडर हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वो करते हैं, या ऑफिस से पीसी जी के ऑफिस से फोन जाता है, तो वो सभी को मैनेज करते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं, मैं यही कहता, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। नहीं, गोगी साहब ने साफ कहा कि भाई उन्हें इनवाइट किया ही नहीं, फोन ही नहीं आया कोई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बात को नहीं मानता। गोगी साहब ने अपने बयान में मनीष खटाना जी इस बात का जिक्र किया है और वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस बात को लेकर कोई कॉल नहीं आया। रिपोर्टरों ने पूछा है कि करनाल में एक विधायक है, वो भी नहीं आए। हुड्डा साहब ने बड़ा ही हल्का जवाब दिया और कहा कि बिजी हो सकते हैं। ठीक है, विदु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदु रावल साहब, कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं करती कि गुटबाजी है या फिर कमजोरी या फिर जिस बात का इशारा गोगी साहब ने किया है वो कह रहे हैं, लेकिन मनीष खटाना जी और कांग्रेस पार्टी कह रही कि सब कुछ ठीक है, गुटबाजी किसी प्रकार की नहीं है। विदु रावल जी, आपका क्या मानना है? रितेश जी, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो किसको बुलाएं और किसको ना बुलाएं जी, और कौन किसके बुलावे पे जाए और कौन किसके बुलावे पे ना जाए, या कौन बिना बुलाए पहुंच जाए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे टिप्पणी के लिए पूछा ही है, तो मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस की बहुत दयनीय स्थिति है। देखिए, देश की प्रदेश की जनता इनको वोट नहीं देना चाहती, इनके कार्यक्रमों में नहीं पहुंचना चाहती, और इनके पास कार्यकर्ता है नहीं, कार्यकर्ताओं के अलावा नेताओं को ये बुलाते नहीं है, नेताओं को नहीं बुलाते, और नीति बिना नेतृत्व के जिस प्रकार से कांग्रेस दिलमुल चल रही है जी, ये आज बहुत ही दयनीय स्थिति है। मुझे लगता है अंतिम श्वास जो कांग्रेस जो ओक्टेवियो ओह्यू रावल साहब, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है 2024 में 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में वो जीत रहे हैं, दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे उसमें वो जीतेंगे, आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं की कमी है, दिलचस्पी लेकिन रावल साहब आपकी भी है। देखिए, आप कह रहे हैं भले कांग्रेस का मसला है, दिलचस्पी लेकिन आपकी भी है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में पहली बार इस तरह का कोई घटनाक्रम तो सामने आया नहीं है। ये तो जायज बात है कि पहला घटनाक्रम नहीं है, लेकिन हमें क्या दिलचस्पी होगी जी? मुझे तो छोड़ो, जनता को भी दिलचस्पी नहीं है इनके, जनता इनको जो है नगण्य मानते हैं। ठीक है, ये डिबेट पर बुलाने लायक तो विषय हो सकते हैं, लेकिन आज कांग्रेस से जनता की रुचि खत्म हो चुकी है, मोहभंग हो चुका है, जनता बिल्कुल इनकी तरफ देखना नहीं चाहती। फिर करनाल के एकमात्र विधायक हैं, थोड़े दिनों में हरियाणा में भी एक भी विधायक नहीं रहने वाला है इनका जी। जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पिछली बार हमारा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही थी, और वो आज एक विधायक पर सिमट गई है। अब नया नया काम इनको मिला है, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की तरफ से है,
तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी एक पर चिंता कर हटेंगे। वैसे भी जनता का अगर रुझान देखें, चुनाव दर चुनाव देखें, तो निश्चित तौर पर इस बात का आकलन लगाया जा सकता है कि जनता की इनमें रुचि खत्म हो। रावल साहब, यानी आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्थिति अभी बनी हुई है और जो बनती दिखाई दे रही है, उसके जरिए और रुचि कम होगी और लोग कम वोट देंगे। मनीष खुराना जी, रुचि खत्म हो चुकी है, रुचि अभी खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं पता जीरो में से माइनस करेंगे तो माइनस वन आएगा, लेकिन और इससे कम क्या रुचि होगी। मनीष खटाना जी, अगर स्थिति यही रही और आगे मुश्किलें बढ़ेंगी कांग्रेस पार्टी के लिए, रावल साहब का ये मानना है। लेकिन सर कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी, 2024 का चुनाव 100% हुडा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 2019 के चुनाव में हम 31 सीट जीते थे। भारतीय जनता पार्टी जो 70, 80 और 83 बार के नारे लगा रही थी, वो 40 सीटों पे बड़ी मुश्किल से पहुंची थी, और हमारी 9 सीटों का जो मार्जिन था वो 500, 700 और 1000 वोटों का मार्जिन था। इस बार हरियाणा में बेरोजगार युवा, महिला, खिलाड़ी, किसान, पहलवान, जवान, मध्यम वर्गीय आपके बिजनेस में। लेकिन खटाना साहब, ये जो लगातार इस तरह की राजनीति देश में दिखाई दे रही है, उसमें विपक्ष के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष के खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी रहती हो, लेकिन सवाल इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि भाई संगठन का इंतजार लगातार किया जा रहा है। हरियाणा भाजपा में नई टीम का ऐलान भी हो गया और अभी तक कांग्रेस पार्टी में नई टीम का ऐलान हो ही नहीं पा रहा है। चुनाव इतने नजदीक आ चुके हैं, विधायक कह रहे हैं कि कार्यक्रम में बुलाया नहीं, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि बुलाया गया है, कोई तो एक तरफ से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर मनीष खटाना जी, हुड्डा साहब कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते, हमेशा सच्चाई के साथ उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता साहब तो कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत से जीतने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में जी रावल साहब जी ठीक है, रावल साहब 10 सेकंड मात जी, आप इनसे एक बार अनुमति ले लीजिए। जी जी हेडिंग रावल साहब बोलिए बोलिए। कांग्रेस की तरफ से क्या ये हेडिंग चलाई जा सकती है कि कांग्रेस के विधायक शमशेर गोगी बकौल कांग्रेस प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब शमशेर गोगी झूठे हैं, क्या ये हेडलाइन को जनता टीवी चला सकता है क्या? इसकी अनुमति आप प्रवक्ता साहब से ले लीजिए। नहीं नहीं, खटाना साहब ने ये नहीं कहा, रावल साहब देखिए कि भाई गोगी जी ने झूठ कहा है कि उड़ा साहब ने झूठ नहीं बोला है। ठीक है, नहीं रावल साहब ठीक है, एक तो झूठ बोल रहा है, उन्होंने दूसरे व्यक्ति को उन्होंने भी कहा कि भाई मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। नहीं, ये तो सारी संभावना तो सभी चीजों को लेकर है ना। और रावल साहब जी बिल्कुल, रावल साहब और खटाना साहब, यही कारण था ना कि इस विषय को लेकर डिबेट की जरूरत पड़ रही है। जी रावल साहब और खटाना साहब, बहरहाल आप जी भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में। ठीक है, खटाना साहब और रावल साहब, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। समय की सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है हिंडनबर्ग के मामले में, रफाल के मामले में कान पकड़कर माफी मांग कर आए राहुल गांधी, और कितना झूठ बुलवाओगे? ठीक है, आप भी झूठ बोल रहे हैं, आप डिबेट में झूठ बोल रहे हैं। अभी कल ही तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो आप चला रहे थे, दानी दानी कर रहे थे, कल ही तो वो झूठी साबित हुई है, कल ही तो झूठी साबित हुई है। और नकद क्या चाहिए आपको? जी ठीक है, रावल साहब और खटाना साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना था, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।